पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 74वें आजादी दिहाड़े मौके मोहाली विखे तिरंगा लहराउण दी रस्म अदा की। इस मौके जनता नूं संबोधन करदिआं उन्होंने देशवासियों नूं आजादी दिहाड़े की बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह दिहाड़ा साडे इक इतिहास का बहुत वड्डा दिन है। अज दे दिन असीं उन्हां शहीदां नूं याद करदे हां जिन्हां ने देश नूं आजादी दिवाउण लई अपनी जान कुर्बान कर दित्ती है। अपनी 74वीं आजादी के दिहाड़े से परेड से अफसर और जवान साहबान और ऐसे बाकी बिराजमान मेरे वीरों से भैनों, आज जैसे थानू पता है जिस तरीके का हाल साडे देश और साडे सूबे बनया होया है मारामारी करके, ये जिहड़ा आम तौर से खुशियां मनाई जांदियां सी और लोग स्टेडियम भरे होंदे से, वो असी है कि इहदे कारण असी इहनू थोड़ा रोकिया होया है क्योंकि असी नहीं चाहते कि होर ये बढ़े। लेकिन अज का जिहड़ा दिहाड़ा है ये साडे आजादी का साडे इतिहास का एक हिस्सा बन गया। 74 दिन हो गए, अगले साल आपां बड़ा दिन मनावांगे 75वां, जदों इस देश के लोगों ने एक संघर्ष करके लड़के अपनी आजादी खोई सी अंग्रेजों तो, और उस आजादी के दौरान बहुत सारे लोग उन्होंने शहादत पाईया। तुसी अगर इतिहास पढ़ो या कदे जाओ जैसे एंडमंड उठे एक मेमोरियल है सेलुलर जेल दे विच, जिदे विच उन्हां पंजाबियों के नाँ ने जिन्हां नूं काले पानी की सज़ा हुई सी और फिर कदे मुड़ के नहीं आए, उठे जद पूरे हो जाते से अंग्रेज उन्हां नूं समुद्र सुट दिंदे सी। उन्हां दा नाम है उत्थे लिखिया होया और कई नाम आपां पछाणदे भी नहीं क्योंकि उन्होंने किसी को दिखाने वास्ते नहीं अपने देश वास्ते अपनी कुर्बानी दी और खुशी नाल गए। यही सारे हिंदुस्तान दे विच होई और अपने पंजाब दे विच होई। जलियांवाला बाग देख लो, होर वाक्य जिहड़े ने जिहड़े गुरद्वारा लहर चली, गुरु का बाग का मोर्चा लग्या, जैतो का लग्या, कई मोर्चे लगे अंग्रेजों के खिलाफ और खुद मुख्तारी वास्ते। तो अज वो दिन असी उन्हां शहीदां नूं याद करते हैं जिन्हां ने अपने देश वास्ते कुर्बानियां दित्तियां और शहीद होए। अज उन्हां नूं भी असी याद करते हैं जो साडे डिफेंस फोर्सेस ने, साडे चाहे आर्मी के हो, एयरफोर्स के या नेवी के, जो अज भी पाकिस्तान के सरहद के उपर रोज ही गोलियां चल रही ने, और चीन के नाल जो ये होया पिछले दिन लद्दाख के विच वो भी थोड़े सामने है। असी आजादी तो लैके अज तक कई असी जंग लड़े ने, अनेक साडे जवान और अफसर साहबान सरदार साहबान शहीद होए और उन्होंने अपने देश के वास्ते रक्षा करते हुए खुशी नाल अपनी जाना दित्तियां।